तो यहाँ पर आपको मैं फॉर शॉट दिखाता हूँ जिससे दोस्तों आप ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। सो हे व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रो डिस्कवर की। ये काफ़ी यूनिक होने वाला है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इसको बॉक्स पैकेज से बाहर निकाल लिया था कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये होने वाला है प्रो डिस्कवर। तो डिफरेंट इसलिए दोस्तों कि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर सेल होता है या तो फाइबर क्वालिटी के अंदर होता है जो कि ईजिली ब्रेक हो जाता है, या फिर दोस्तों वहाँ पर एक्रेलिक शीट के अंदर होता है वो उससे बेटर है। बट यहाँ पर सबसे बेटर जो मिलता है दोस्तों वो है यहाँ पर एल्यूमिनियम शीट के ऊपर। तो यहाँ पर ये मेड ऑफ है दोस्तों एल्यूमिनियम शीट के ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही हम ऑफर करते हैं दोस्तों डिकेल्स। आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके का ये डिकेल्स इसके ऊपर माउंट हो रखा है। तो आप यहां पर, मैं इसको हल्का सा निकाल के दिखाऊं, तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों नीचे की तरफ जो है यहां पर एल्युमिनियम शीट है, इसके ऊपर ही डिकेल फिक्स किया हुआ है। तो यहां पर आप काफी सारे डिकेल ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आप इन ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं। काफी सारे डिजाइन हमने यहां पर प्लान किया है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया पर्सनली आपकी चॉइस है। यहां पर मैंने जो मंगवाए हैं, दो मंगवाए हैं दोस्तों यहां पर प्रोडिस्क, एक तो यहां पर जो है डिकेल के साथ और प्लेन वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर ये चीज एल्युमिनियम के साथ होने वाली है। यहां पर पेयर ऑफ दोस्तों आपको 1 मिलता है, यानी कि जो आपका आगे या पीछे की तरफ दोनों तरफ आप माउंट कर सकते हैं अगर आपका टायर 17 इंचेस है। तो ऑलमोस्ट बाइक का दोस्तों टायर 17 इंचेस ही होता है। यहां पर जो कटिंग हो रखी है, ये कटिंग हो रखी है दोस्तों ताकि आप एयर फिल कर सके अपने टायर के अंदर। तो यहां पर इस चीज का भी हमने खासा ध्यान रखा है। यहां पर आप देख सकते हैं तीन होल्स हैं, तीन होल्स के ऊपर ये माउंट हो जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं हम इसी के साथ में आपको दोस्तों ये नट्स भी देते हैं, यानी आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको माउंट कर सकते हो। यहां पर मैं आपको दूसरी एल्युमिनियम शीट के ऊपर प्रोडिस्क दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं ये होने वाला है दोस्तों सेकंड प्रोडिस्क, यहां पर एल्युमिनियम शीट के ऊपर है। तो यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों इसके ऊपर यहां पर ये शीट माउंट हो रखी है ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। जब आप इसको माउंट करें दोस्तों, इसको रिमूव मत करिएगा, आफ्टर जब माउंट हो जाए तभी करिएगा। तो यहां पर इस तरीके से कवर अप होकर आता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है दोस्तों यहां पर एल्युमिनियम शीट के साथ है। आप यहां पर अगर फाइनली मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर और नीचे की तरफ ये जो शीट है दोस्तों एल्युमिनियम की शीट है। यहां पर कैमरा इसको अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा कि यहां पर ये डिफरेंस क्या है। तो यहां पर जो एक्रेलिक शीट आती है दोस्तों, वो सीधा का सीधा एक शीट होती है जिसको काटा जाता है कंप्यूटराइज। यहां पर ये जो होती है दोस्तों, इसके ऊपर यहां पर हमने ऊपर चढ़ा रखा है एल्युमिनियम की फॉइल, या बोल सकते हैं एल्युमिनियम की प्लेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी बनाती है। आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। आप यहाँ पर साउंड सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं जो कि ग्लोसी ब्लैक के अंदर आता है, या फिर आप इसको स्लाइटली, इतना ग्लोसी तो नहीं है बट दोस्तों थोड़ा ग्लोसी ब्लैक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर ये डिकेल्स के साथ आप जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी बाइक के अंदर माउंट करके भी दिखाऊंगा कि कैसा लुक करने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीजीएक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आप जाइए दोस्तों, प्राइस वगैरह के रिगार्डिंग आप इनसे पूछ पाएंगे, साथ ही आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाने वाली है डिस्क्रिप्शन में भी। सो आपको मैं अब ले चलता हूं अपनी बाइक पे बिना टाइम वेस्ट के, मैं दिखाता हूं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आइए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने हमारी बाइक के अंदर जो प्रोडिस्क वो इंस्टॉल करवा लिया है। तो यहां पर मैं आपको इंस्टॉलेशन सीधा दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम इसके प्रोसेस से गुजरे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पीछे वाला टायर को रिमूव करना होता है। उसके बाद आपको टायर निकालने के बाद दोस्तों आपको साइड वाला जो डिस्क होता है उसको भी निकालना पड़ता है। तो आप बेटर मैकेनिक से निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आपको उसको सीधा फिट करवा देना है, होल टू होल माउंट करवा देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो एयर होज है, यानी कि जो कटिंग दे रखी है, उसको आपको ध्यान रखना है और उसको रखना है आपके एयर होज के पास, ताकि आप एयर फिल करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रख सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर राइट साइड रखेंगे तो ज़्यादा फिजिबल होगा, बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों। अगर आप इसको राइट साइड रखेंगे तो उसके अंदर कट नहीं दिखेगा, तो ज़्यादा अपीलिंग होगा, क्योंकि V3 के अंदर दोस्तों जब आप साइड स्टैंड पर खड़ा करते हैं तो यहाँ पर राइट पार्ट ज़्यादा विजिबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ब्लैक वाला जो है दोस्तों यहाँ पर डिस्क लगाया, उसका लुक देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर लुक दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लुक करेगा आपका प्रोडिस्क ब्लैक के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पर दोस्तों डिकेल वाला भी दिखाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों यूनिवर्सल आता है, तो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा कटिंग करवाने की नीड पड़ सकती है, डिपेंड ऑन कि आप कौन से टायर पर इंस्टॉल करें। बाकी दोस्तों यूनिवर्सल है, 17 इंच के टायर पर आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, माइनर अल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि अंदर का जो दोस्तों डायमेंशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है बाइक्स का। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाला था वो तो डायरेक्टली माउंट हो गया था दोस्तों, बट हमें यहाँ पर जो डिकेल वाला था उसको स्लाइटली थोड़ा अंदर से कट करवाना पड़ा था। अब मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लुक करने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा अपीलिंग कर रहा है। अभी मैं आपको इसको रोटेट करके भी दिखाऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर आप जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसा लुक करने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लुक करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैं दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कैसा लुक करने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं फॉर शॉट दिखाता हूँ जिससे दोस्तों आप ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर रोटेट करता हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ पर ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। साथ ही अब यहाँ पर आपके काफ़ी सवाल हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर जो डिस्क है दोस्तों वो शायद टूट के गिर जाए। बाकी दोस्तों अभी मुझे इसका लिटरली आइडिया नहीं है, अभी मैं इसका यूज़र भी आपको शेयर कर दूंगा, वो आप अपने बिहाफ पे लगवाइएगा। ये चीज़ दोस्तों लुक्स के लिए ही है, बाकी दोस्तों आप इस चीज़ का अगर कोई जस्टिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा।
कि ये कैसा है, क्या आगे इसका रेस्पॉन्स रहने वाला है। बाकी हाँ, लुक के लिए तो ये बेटर है, काफ़ी हैवी बना देता है आपकी बाइक को। बाकी काफ़ी सारे डिकेल्स आते हैं जैसा कि मैंने बताया, वो आप लगा सकते हैं अपनी बाइक के अंदर। यहाँ पर एल्युमिनियम शीट के ऊपर हमने लगा रखा है दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी आता है। तीन चीज़ें आती है जैसा कि मैंने बताया, एक होता है फाइबर, दूसरा होता है दोस्तों एल्युमिनियम, और तीसरा होता है एक्रेलिक। सो यहाँ पर सबसे बेस होता है दोस्तों वो फाइबर होता है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर एक्रेलिक शीट के ऊपर आता है वो भी अच्छा होता है, और एल्युमिनियम का दोस्तों एक बेनिफिट मिल जाता है कि वो थोड़ा स्टडी होता है, वाइब्रेशंस नहीं देता। तो वही हमने अपनी बाइक के ऊपर माउंट किया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमने बाइक के ऊपर काफी सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, तो ये सभी मॉडिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल अंकु टिप्स एंड ट्रिक्स पे। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं साइड ग्रिल लाइट्स, बैक लाइट्स, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमने फुली लोडेड बना रखी है अपनी बाइक को, R1M Tail। तो ये सब आप दोस्तों बाय कर सकते हैं अगर आपको अदर एसेसरीज कोई भी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।